आज से बीजेपी का मतदाता सम्मेलन जनसंवाद शुरू हो रहा है। प्रदेश के नगर निगम क्षेत्रों में कार्यक्रम होगा, इसमें मुख्यमंत्री योगी और दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। इसके अलावा जनसंवाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह सहित पार्टी के तमाम बड़े नेता मतदाता सम्मेलन जनसंवाद में शामिल होंगे। आगामी चुनाव के मद्देनजर मतदाता सम्मेलन के जरिए मोदी और योगी सरकार के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश होगी। तो भाजपा नेता जनता को सरकार की उपलब्धियां बताएंगे, मतदाता सम्मेलन है और निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने ताकत झोंक दी है, रणनीति पर काम शुरू हो गया है। आज से भाजपा का मतदाता सम्मेलन जनसंवाद शुरू हो रहा है। सभी नगर निगम क्षेत्रों में भाजपा का मतदाता सम्मेलन जनसंवाद है। आज झांसी और कानपुर में भाजपा का मतदाता सम्मेलन है और ऐसे ही मतदाताओं से जुड़कर भाजपा नेता जनता को सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। तो निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने ताकत झोंक दी है और मतदाता सम्मेलन आज से शुरू होने वाला है और इन मतदाता सम्मेलनों के जरिए जो बीजेपी के नेता हैं वो सरकार की उपलब्धियां लोगों को बताएंगे। और आइए आपको बताते हैं कि भाजपा के मतदाता सम्मेलन जनसंवाद में कौन कौन चेहरे शामिल होंगे। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम, भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, इनके साथ ही साथ धर्मपाल सिंह जो कि संगठन महामंत्री हैं, भानु प्रताप वर्मा केंद्रीय मंत्री हैं वो भी शामिल होंगे, डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना राज्य मंत्री हैं, योगेंद्र उपाध्याय मंत्री हैं वो भी शामिल होंगे मतदाता सम्मेलनों में, राम नारायण साहू पूर्व राज्यसभा सांसद हैं ये भी मतदाता सम्मेलन में शामिल होंगे। झांसी, गोरखपुर, फिरोजाबाद, आगरा में ये कार्यक्रम आज होना है और मतदाताओं से जुड़कर ये सभी नेता जो हैं वो सरकार की उपलब्धियों का बखान करेंगे, सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। तो निकाय चुनाव नाक की लड़ाई है और इसके साथ ही साथ 2024 से ठीक पहले ये आखिरी चुनाव है उत्तर प्रदेश में, जिसमें जमीनी स्थिति का अंदाजा इन दलों को लगेगा और यही वजह है कि चाहे भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, सभी ने ताकत झोंक रखी है, लेकिन भाजपा ने अपनी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है और आज से मतदाता सम्मेलन का आगाज होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से गोरखपुर के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी इन दिनों में गोरखपुर को कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री आज भोला राम मस्करा इंटर कॉलेज में मिनी स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। ये स्टेडियम 10.43 करोड़ की लागत से 3 एकड़ जमीन पर बनेगा। इसके साथ ही गीडा में पेप्सको प्लांट का भूमि पूजन और आधारशिला रखेंगे। ये 1,000 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाला देश का दूसरे नंबर का प्लांट होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से गोरखपुर के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी इन दो दिनों में गोरखपुर को कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री आज भोला राम मस्करा इंटर कॉलेज मिनी स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। स्टेडियम 10.43 करोड़ की लागत से 3 एकड़ जमीन पर बनेगा। इसके साथ ही गीडा में पेप्सको प्लांट का भूमि पूजन और आधारशिला भी रखेंगे। और गोरखपुर में सीएम योगी का कार्यक्रम क्या आपको बता देते हैं, सुबह 10:30 बजे भोला राम मस्करा इंटर कॉलेज में मिनी स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। गीडा में 1,000 करोड़ के पेप्सिको प्लांट का भूमि पूजन करने का कार्यक्रम है। 9 अप्रैल को सुबह करीब 10:30 बजे गोरखपुर खाद कारखाना में शिलान्यास होगा, लोकार्पण कार्यक्रम है। खाद कारखाना में 10.45 करोड़ की 258 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। तो गोरखपुर दौरे पर कई महत्वपूर्ण सौगातें मिलने जा रही हैं, जिसमें देश का सबसे बड़ा दूसरा प्लांट भी शामिल है। तो गोरखपुर के कायाकल्प संदेश, 1,000 करोड़ का पेप्सको प्लांट लगना है, 1,045 करोड़ की 258 परियोजनाएं जो हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास होने जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।